हेलो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा दसवीं गणित के इस वीडियो लेक्चर में आज हम अध्याय दो दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नवली दो के प्रश्न क्रमांक दो के हल को इस वीडियो में देखेंगे मेरा नाम है सदानंद इसल चलिए वीडियो शुरू करते हैं चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दो को प्रश्न क्रमांक दो क्या बोलता है जाँचिए कि अ में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं यहाँ पर हमें समीकरण दिए हुए हैं ठीक है और उनके हल को यहाँ पर अ और बा के रूप में दिया है हमको ये बताना है कि अ वाला में जो एक सौ के वैल्यू दिए हैं या ब वाले में एक और राय के वैल्यू दिए हैं उनमें से कौन सा वाला इन समीकरणों को सेटिस्फाई करता है ठीक है मतलब पहला में जो समीकरण दिया है दूसरा में जो दिया है तीसरा में दिया है चौथा में दिया है उन सभी के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि अ वाला सही है कि ब वाला सही है ठीक है अब यहाँ तक देखने से ऐसा लगता है कि यार ये तो पहला वाला जो प्रश्न था ना उसी के जैसा है ठीक है यहाँ पर भी वही बोला था अ व में कौन दिए गए समीकरणों के हल है लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपके पास एक ही समीकरण थे एक प्रश्न में एक ही समीकरण है ठीक है लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दो में देखिए एक प्रश्न में दो समीकरण तो यहाँ पर जो हल करने के तरीके हैं ना वो चेंज हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हल करने के जो तरीके हैं, उसमें क्या चेंजेस आएगा उसको थोड़ा सा समझते हैं ठीक है देखो यार एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता रहा हूँ मैं है ना लेकिन एक लॉजिक है उसको आप लोग समझिएगा ठीक है जैसे कि हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू सेवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन है है ना यहाँ पर x और y क्या है चर क्या है ये चर है तो हम ये जो समीकरण है यदि हम इसको रेखा के रूप में निरूपित करें तो इसको एक स्वाय प्लेन में हम दर्शा सकते हैं ठीक है तो क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए कि ये हमारे पास एक समीकरण है जिसका नाम है समीकरण एक और इसको मैं चेंज करने वाला हूँ रेखा के रूप में और चित्र रूप में इसको दर्शाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं प्लेन बना रहा हूँ प्लेन मतलब समतल ठीक है प्लेन मतलब हवाई जहाज़ में सोच लेना है ना सर हवाई जहाज़ तो बनाए ही नहीं ऐसा बोल के ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन पर ठीक है एक्स वाई प्लेन क्यों लिए क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो एक्स और वाई है ठीक है इसलिए हमने एक्स वाई प्लेन लिए है ना अब मान लो ये जो समीकरण है उसको जब मैं रेखा के रूप में दर्शाता हूँ तो मुझको ये रेखा मिलता है ऐसे क्या मिल रहा है ये रेखा मिल रहा है है ना ये जो रेखा है वो समीकरण वन को दर्शाता है ठीक है देखो जब हमारे पास एक ही समीकरण हो तो हमको एक रेखा मिलेगा और इस रेखा में कोई सा भी आप बिंदु ले लीजिए उसके जो कोऑर्डिनेट है जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं है ना तो इसके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट तो समझ आता होगा कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स में कितना वैल्यू है चलो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स वन और ये है वाई वाला तो वाई वन है ना तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन वाई वन तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वन वाई वन है ना यही क्या है भैया इस समीकरण के हल हैं ठीक है तो यहाँ पर आप जितने चाहे उतने हल ले सकते हो क्योंकि आप कोई सा भी बिंदु ले लो यार उसके जो कोऑर्डिनेट है वो सब इस समीकरण के हल हैं तो यदि एक ही समीकरण है एक ही समीकरण हैं तो हम क्या करेंगे जो भी वैल्यू दिया है x और y के जो भी वैल्यू दिया है सीधा सीधा उसको समीकरण में रखेंगे और देखेंगे कि वो समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता जैसा कि पहला वाला प्रश्न में किए थे लेकिन यदि हमारे पास दो ठोक समीकरण है एक का नाम है समीकरण वन और दूसरे का नाम क्या है समीकरण दो ठीक है हमारे पास दो समीकरण हैं और इनके जो चर है वो एक्स और वाई के हैं ठीक है इसको यदि हम एक्स वाई प्लेन पर दर्शाएं ठीक है चलो मैं दर्शा देता हूं यहां पर ऐसे ये हो गया और ये वाला वाई हो गया तो हमारे पास तीन कंडीशन प्राप्त होते हैं पहला कंडीशन क्या है कि ये जो दो रेखाएं हैं वो क्या हो एक दूसरे के समांतर हो एक दूसरे के क्या हो समांतर हो है ना ये आपका समीकरण वन है और ये क्या है आपका समीकरण टू है और दोनों आपस में कैसा है समांतर है इस स्थिति में समीकरण के कोई हल नहीं होता ठीक है इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता हल नहीं होता यहाँ पर ध्यान दो जब हम हल की बात करें तो दोनों समीकरण को कंबाइन करके बोल रहे हैं अलग अलग नहीं बोल रहे यदि हम अलग अलग लेंगे तो भाई प्रत्येक समीकरण का हल रहेगा ठीक है लेकिन एक साथ बोल रहे हैं और एक साथ में कैसे हैं यहाँ आपस में समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होता ठीक है दूसरा कंडीशन क्या होता है भाई कि ये जो दो समीकरण है वो एक दूसरे को क्या करे प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को क्या करे इस तरीके से प्रतिच्छेद करने लग जाए प्रतिच्छेद करते हैं तो जो ये प्रतिच्छेद वाला बिंदु होता है यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ठीक है यहाँ के जो निर्देशांक होते हैं मान लो इसका निर्देशांक है x1 और y1 इस पॉइंट के जो निर्देशांक है क्या है एक्स वन और वाई वन तो ये जो एक्स वन है और वाई वन है, है ना एक ही हल है एक ही हल यहाँ पर प्राप्त होता है एक्स वन वाई वन के रूप में ठीक है एक ही हल प्राप्त होता है एक्स वन वाई वन के रूप में है ना और ये एक्स वन वाई वन क्या है दोनों समीकरणों के चलो ये आपका समीकरण वन है ये टू है दोनों समीकरणों के कटान बिंदु है कटान बिंदु के जो निर्देशांक है वो इन दोनों समीकरणों का हल होता है प्रति की स्थिति में ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं क्या बोलते हैं अद्वितीय हल मतलब इसके जैसा और कोई दूसरा आपको प्राप्त नहीं होगा है ना अद्वितीय हल ठीक है तीसरा कंडीशन क्या होता है भाई कि ये जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर में क्या हो जाए ओवर हो जाए क्या हो जाए ओवर जैसे कि ये वाला है आपका समीकरण वन और दूसरा इसके जस्ट ऊपर में बढ़ रहा है समीकरण टू ठीक है ये क्या हो गया सम्पाति क्या हो गया सम्पाति एक दूसरे के ऊपर है अब देखो यार जब एक दूसरे के ऊपर है तो यहाँ पर ये दो रेखा के रूप में काम नहीं करता ये एक ही रेखा के रूप में काम करता है और जब एक ही रेखा है तो अब कहीं कभी आप कोऑर्डिनेट को ले लो सभी जगह के कोऑर्डिनेट दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा ठीक है मतलब इसके अनेक हल होते हैं क्या हैं? होते हैं इसके अनेक हल होते हैं है ना तो यदि हम चाहते हैं कि हमको हल मिले क्या मिले हल मिले तो हमको क्या करना पड़ेगा ये जो रेखाएं हैं पहला और दूसरा उनको या तो एक दूसरे के प्रतिच्छेद कराना पड़ेगा या फिर एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा है ना अब थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं हमारे पास जो दो समीकरण दिया है समीकरण वन और समीकरण टू एक्चुअल में हमको इन दोनों को एक करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा एक करना पड़ेगा इन दोनों को मिलाकर हमें एक समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा नया समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा ठीक है अब इसके लिए अलग अलग तरीके हैं जैसे समीकरण वन और टू को जोड़ दो या फिर घटा दो या फिर गुना कर दो या फिर भाग कर दो ठीक है या फिर विस्थापन करो या विलोपन करो जो भी चीज़ है यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं हम लोग क्या करेंगे सिंपली जहाँ पर समीकरण वन और टू को जोड़ने से हमको सरल पद मिलते तो जोड़ देंगे घटाने से मिलता है तो घटा देंगे ठीक है जो भी किया जा सकता है अभी आप प्रश्न देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ पर मोटा मोटा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हम समीकरण वन और टू को अलग अलग रख के उसमें एक सौ के वैल्यू रख के चेक नहीं करेंगे बल्कि समीकरण वन और टू को मिलाकर एक नया समीकरण बनाएंगे समीकरण तीन ठीक है समीकरण वन और टू को मिलाकर एक नया समीकरण बनाएंगे समीकरण तीन और उसमें एक सरवाय के वैल्यू को रखेंगे जो भी सेटिस्फाई करेगा वो इन दोनों का हल होगा मतलब कि समीकरण तीन के जो हल हैं एक सरवाय वही इन दोनों का हल होगा समझ आया अलग अलग नहीं करना है दोनों को मिलाकर एक समीकरण बना देना है और इनके लिए जो हल होगा वही इन दोनों के लिए हल होगा ठीक है तो इस चीज को इस तरीके से आपको समझना है तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ठीक है देखो यार दूसरा का अपन लोग पहला वाला लिख रहे हैं है ना फिर क्या करेंगे हल लिखेंगे फिर इसका डेस ठीक है फिर क्या लिखोगे दिया है आ, एक्स बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक ठीक है तथा ब एक्स बराबर एक बटा दो वाई बराबर एक बटा तीन ठीक है और तथा ये तो हो गया है ना? जो हमको समीकरण दिया है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन है ना इसको हम बोल देते हैं समीकरण एक ठीक है और क्या दिया भाई टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री इसको हम बोल देते हैं समीकरण तो अब इसके आगे क्या करना है ये जो समीकरण वन और टू है है ना इनको मिलाकर हमें समीकरण तीन प्राप्त करना है क्योंकि तो जब तक ये एक दूसरे को काटेगा नहीं या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप नहीं करेगा हमको इन दोनों का हल प्राप्त होने वाला नहीं है ठीक है तो इस कारण से हमको क्या करना है इन दोनों को मिलाकर एक नया समीकरण बनाना है अब मिलाने के आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं जैसे कि इन दोनों समीकरण को जोड़ो या फिर घटाओ है ना या फिर समीकरण वन में से एक या वाई के वैल्यू निकाल कर ठीक है समीकरण दो में रख दो या फिर समीकरण दो में से एक या वाई के वैल्यू को निकाल कर समीकरण वन में रख दो ठीक है तो फिलहाल यहां के लिए मैं क्या करने वाला हूँ समीकरण वन और टू को जोड़ने वाला हूँ ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए अब समीकरण एक धन समीकरण दो आपको इतना ही लिखना है ठीक है नीचे में ऐसा लाइन खींचेंगे है ना अब देखो समीकरण वन और टू को हम जोड़ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा ठीक है एक्स वाला एक्स वाले के साथ जुड़ेंगे वाई वाला वाई वाले के साथ जुड़ेंगे है ना तो देखो टू एक्स और टू एक्स आपस से जोड़ के कितना हो जाएगा फोर ठीक है फिर बीच में धन का चिन्ह देखो यहाँ पर धन है यहाँ पर भी धन है हमको धन ही करना है तो धन ही आएगा है ना पाँच वाई और तीन वाई जोड़ के कितना हो जाएगा आठ वाई बराबर एक और तीन जोड़ के कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन अब जो भी जांच करना है वो इस समीकरण में करना है आगे बात समझें जो भी जांच करना है वो क्या करना है समीकरण तीन में करना है ठीक है अब समीकरण तीन की लेफ्ट हैंड साइड ठीक है लेफ्ट हैंड साइड बराबर फोर एक्स प्लस एट वाई। हमको क्या करना है इसमें एक्स और वाई के जो वैल्यू दिए है अ और बा में उनको रख रख के देखना है बारी बारी से ठीक है अक्स बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक मान को मानों को उपरोक्त में रखने पर उपरोक्त मतलब ऊपर है ना उपरोक्त पर रखने पर ठीक है बराबर के नीचे आपको क्या करना है बराबर का चिन्ह लगाना है बराबर के नीचे में बराबर का चिन्ह जेड मत बना देना ठीक है ये जेड बन गया था है ना तो मत बनाना ठीक है अब ये फोर है तो फोर रखेंगे ठीक है एक्स का वैल्यू कितना है तीन है सीधा सीधा गुना करके तीन लिख दो धन है तो धन आठ है तो आठ और वाई है तो गुना करके वाई का वैल्यू क्या है ऋण एक तो कोष्टक में ऋण एक ऐसा रखेंगे ठीक है अब चार दिया बारह ऋण यहाँ पर धन गुना होके क्या हो जाएगा ऋण आठ एक आठ बारह में से आठ घटाओगे जितना कितना आ जाएगा चार ठीक है समीकरण तीन को देखो राइट हैंड साइड में क्या है चार है ठीक है तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड ठीक है अतः अक्स बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक ठीक है समीकरण तीन का एक हल है ठीक है अब जो समीकरण तीन का हल होगा वही जो है कि शुरू में जो समीकरण वन और दो दिया है उनका भी हल होगा ठीक है तो इसलिए आ, एक सौ बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक समीकरण वन एवं टू का भी हल है ठीक है इस तरीके से यहाँ पर आपको चेक करना है ठीक है अब यहाँ पर ब वाला जो वैल्यू दिया है आप चाहो तो चेक करो है ना? और नहीं करना है तो भी चलेगा लेकिन यार एक कंडीशन तो ऐसा है ना जिसमें एक से अधिक हल हो सकते हैं ठीक है तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं ब वाले जो वैल्यू दिया है उसको भी समीकरण तीन में रख के देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है है ना तुक्का में काहे रहना है ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं अब पुनः हाँ समीकरण तीन से ऐसा लिख दिए ठीक है समीकरण तीन से लेफ्ट हैंड साइड बराबर फोर एक्स प्लस एट वाई ठीक है उपरोक्त में उपरोक्त में बास्टक में लिखेंगे उसका वैल्यू को है ना एक्स बराबर वन बाई टू वाई बराबर वन बाई थ्री रखने पर ठीक है यहाँ पर हम रख के देखेंगे क्या होता है ठीक तो देखिए भाई फोर है है ना गुना एक्स का वैल्यू कितना है वन बाई टू ठीक है प्लस एट है और वाई का वैल्यू कितना है वन बाई थ्री यहाँ पर बीच में गुना होगा ठीक इसको हम सॉल्व करेंगे तो चार और दो है ना दो एक दो दुनी चार ठीक है ये कट रहा है भाई दो एक दो दुनी चार तो यहाँ पर अपन को मिल रहा है दो है ना और यहाँ पर ये यह कटेगा नहीं ठीक है कि नहीं तो यहाँ पर मिल रहा है आठ बटा तीन और इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा तीन दुनी छः छ आठ धन आठ बटा तीन ठीक है और छ आठ चौदह बटा तीन अब ये कैसे करते हैं ये तो पता होगा है कि नहीं कैसे करते हैं भाई ये जो हर है इनको दोनों के बटन लिख देते हैं फिर इसका इसका गुना इसके साथ करो तीन दुनी तीन दुनी छ धन आठ और चौदह और ये जो चौदह है इसको आप तीन से भाग दोगे है ना तो आपको पूरी तरीके से भाग तो जाएगा नहीं चार आने वाला है नहीं ठीक है हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर नहीं है चार के है ना बराबर राइट है साइड ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो रहा है मतलब कि ब के जो वैल्यू हैं वो समीकरण तीन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ठीक है अतः ब एक्स बराबर वन बाय टू वाई बराबर वन बाई थ्री समीकरण तीन कोष्टक में लिखेंगे अर्थात समीकरण वन एवं टू का हल नहीं है तो हम दोनों को ऐसे चेक कर सकते हैं बारी बारी से ठीक है हो सकता है भाई और वह दोनों हल हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते है ना? चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक दो का दूसरा वाला को सॉल्व करते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे फिर हल लिखना है और फिर डेस और फिर यहाँ पर जो जानकारी हमारे लिए काम की है है ना उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे ठीक है तो हम लिख लेते हैं दिया है आ, एक से बराबर तीन ठीक है वाई बराबर ऋण एक और बा एक बराबर एक बटा दो तो, और y बराबर एक बटा तीन ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे जो समीकरण है उसको लिख लेंगे तथा समीकरण समीकरण क्या दिया भैया है ना तो पहला समीकरण दिया यहाँ पर x धन y बराबर पाँच एक्स वाई ठीक है इसको हम क्या दे देते हैं पहला समीकरण नाम दे देते हैं समीकरण एक ठीक और दूसरा और दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया है तीन एक्स धन दो वाय ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं तीन एक्स धन दो वाय बराबर तेरह एक्स वाय ठीक है तो हमको यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है ठीक है अब अपन को क्या करना है यहाँ पर समीकरण एक और समीकरण दो इसको मिलाकर ठीक है समीकरण तीन प्राप्त करना है है ना तो यहाँ पर लिखते हैं अब समीकरण एक धन समीकरण दो ठीक है समीकरण एक और समीकरण दो को क्या कर देना है अपन को मिला लेना है है ना तो यहाँ पर आपको लाइन खींचना है ऐसे अब देखो भाई एक्स वाले के साथ एक्स वाला जुड़ेगा है ना यहाँ पर कितना हो जाएगा फोर एक्स ठीक है बीच में धन धन है तो दोनों जगह धन आ जाएगा वाई और टू वाई जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री वाई ठीक बराबर और ये आपस से जुड़ेंगे तो अट्ठारह एक्स वाई ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन अपन को क्या करना है जो भी वैल्यू रखना है इस समीकरण तीन में रखना है किस में रखना है समीकरण तीन में रखना है ठीक है तो आप समीकरण तीन से ठीक है समीकरण तीन से लेफ्ट हैंड साइड बराबर फोर एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है यहां आ, एक से बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक रखने पर क्या लिखते हैं रखने पर ये रखेंगे आ के जो वैल्यू है उसको यहां पर रख के चेक करेंगे ठीक है कि वो सही है कि नहीं है उसके बाद हम बा के जो वैल्यू है उसको भी रख कर देखेंगे कि उसका वैल्यू सही है कि नहीं है है ना तो यहाँ पर ये वैल्यू को रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा फोर इन एक्स का वैल्यू तीन है तो तीन ठीक है धन तीन गुना वाई है गुना वाई का वैल्यू कितना है ऋण एक तो यहाँ पर हम लिख देखते हैं ऋण एक ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो चार दिया बारह और तीन और ऋण एक को गुना करेंगे तो ऋण तीन यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई तीन तिया नौ तीन चौंक बारह होता है तो ये हो गया नौ है ना अब देखो जो आपका राइट हैंड साइड है यहाँ पर उसमें भी एक सौर वाय है है ना तो अपन को क्या करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को भी लेना पड़ेगा और उसमें भी एक सौ वाई के वैल्यू रखना पड़ेगा ठीक है तथा राइट हैंड साइड बराबर अट्ठारह एक सौ यहाँ आ, एक से बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक सॉरी दिख नहीं रहा है है ना एक से बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक रखने पर क्या हो जाएगा अठारह गुने तीन गुना ऋण एक बराबर ऋण ठीक है ऋण है तो ऋण आएगा है ना और अट्ठारती कितना होता है भैया अठारती होता है चौवन ठीक है अठारह अठारह छत्तीस अट्ठातिया चौवन अब यहाँ पर जब हम इतना सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो क्या पता चलता है यहाँ पर यह पता चलता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर नहीं है ठीक है इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ठीक है अतः अक्स बराबर तीन वाय बराबर ऋण एक समीकरणों का हल नहीं है समीकरणों का हल नहीं है ओके तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है अब हम बा के लिए भी इसी प्रोसेस को पूरा करेंगे कि बा में जो वैल्यू दिया है वो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं ठीक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पुनः समीकरण तीन से ठीक है समीकरण तीन से अब फिर से काम करना शुरू कर रहे हैं है ना देखो स्टार्टिंग से देखिए सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे जो भी अ और व हल दिए उसको लिख लिए फिर उसके बाद हमने समीकरण को लिखा यहाँ तक जो भी चीज़ें हमारे प्रश्न में है उसी को लिखे हैं फिर उसके बाद हमने क्या, क्या किया समीकरण एक और दो को मिलाकर मतलब जोड़ के समीकरण तीन प्राप्त किया है ना अब हम क्या कर रहे हैं जो अ वैल्यू है है ना आ वाले जो हल दिए हैं उनके लिए हम चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है है ना तो हमने क्या किया समीकरण तीन से लेफ्ट हैंड साइड लिया उसमें वैल्यू को रखा और समीकरण तीन से ही राइट हैंड साइड को लिया और उसमें वैल्यू को रखा और चेक किया कि यार यहाँ पर तो ये जो अ के वैल्यू है वो समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए समीकरणों का हल नहीं है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं जो ब वैल्यू दिया है उसके लिए समीकरण तीन को चेक करेंगे कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है यहाँ पर हम क्या ले लेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे है ना लेफ्ट हैंड साइड अपन को दिया है था? फोर एक्स प्लस थ्री वाई समीकरण तीन में देखिएगा कितना है फोर एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है हुँ. अब बा है भाई बा ठीक है बा एक्स बराबर एक बटा दो वाई बराबर एक बटा तीन ठीक है इसको पोष्टक में रख लेते हैं ऐसे रखने पर क्या लिखेंगे क्या है ना ज़्यादा जूम आउट करोगे तो दिखेगा ही नहीं रखने पर ठीक जब हम लोग रखेंगे है ना तो क्या होगा भाई लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या मिलेगा फोर इंटू वन बाई टू ठीक है प्लस थ्री इंटू वन बाई थ्री इस तरीके से चलो इस कागज को मैं ऊपर बना देता हूँ ऐसे ठीक है ये होगा बराबर दो एकम दो दो दूनी चार तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को दो मिलेगा दो एकम दो दो दूनी चार ठीक है वैसे तीन एकम तीन तीन एकम तीन तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा एक और कितना होगा ये तीन हो गया ठीक है तथा राइट हैंड साइड बराबर अट्ठारह एक्स वाई ठीक है यहाँ ब ठीक है एक्स बराबर एक बटा दो वाई बराबर एक बटा तीन रखने पर ठीक है हम क्या कर रहे हैं एक बराबर एक बटा दो और वाई बराबर एक बटा तीन यहाँ पर रख रहे हैं तो क्या मिलेगा अट्ठारह ठीक है एक का वैल्यू है वन बाई टू और वाई का वैल्यू है एक बटा तीन अब देखो ये सब आपस में गुना हो रहे हैं अब गुना को हम डॉट के रूप में भी दर्शाते हैं और गुना के चिन्ह के रूप में भी दर्शाते हैं तो यहाँ पर फिलहाल हम डॉट के रूप में दर्शा रहे हैं ठीक है अब देखो क्या होगा दो तिया छः है ना और तिया अठारह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई ऊपर में अट्ठारह और नीचे में छः है ना छः कम तिया अठारह तो क्या मेरा यहाँ पर तीन ठीक है और देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका वैल्यू भी अपन को तीन मिला था है ना तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बराबर लेफ्ट हैंड साइड ठीक है फिर क्या लिखोगे यहाँ पर अतः ब कोष्टक में उसके जो वैल्यू है उसको लिख लेंगे एक से बराबर एक बटा दो वाई बराबर एक बटा तीन समीकरणों का हल है सीधा सीधा लिख देंगे समीकरण तीन का हल है समीकरण दो ये सब लिखने की जरूरत नहीं सीधा सीधा लिख देना है समीकरणों मतलब सभी समीकरण को मिलाकर ठीक है समीकरणों का हल है देखो एक चीज़ ध्यान से समझेगा यहाँ पर जब हम लोग हल कर रहे हैं ना तो हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना ठीक है अब इसमें थोड़ा बहुत लिखने के तरीके चेंज हो सकते हैं आपके टीचर से या फिर आपके गाइड से तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमको करना क्या है दो अलग अलग समीकरण दिया है उसको मिला के एक समीकरण बनाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू को रखना है है ना और देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं अब ये लास्ट में जो लिखने का तरीका है जैसे आपके टीचर बताएंगे वैसे आप लिख लेना ठीक है नहीं तो फिर यार आंसर होना चाहिए है ना और लिखने का तरीका उतना मैटर नहीं करता है बस सही होना चाहिए है ना चलिए अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा का तीसरा वाला को ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है जो जो जानकारी हमारे प्रश्न में डायरेक्ट दिया है उसको पहले ही लिख लिया ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है दूसरा का तीसरा हल डेस दिया है ऐसे लिखना है उसके बाद अ और ब जो हल दिए हैं उसको आपको इस तरीके से लिख लेना है ठीक है उसके बाद तथा समीकरण जो दो समीकरण दिए उसको लिख लेना है और इन समीकरणों को नाम देना है समीकरण एक और समीकरण दो अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है उनको पहले ही नाम दे दिया गया अ इन वैल्यू को कम्बाइन रूप में नाम दे दिया गया अ और इन वैल्यू को नाम दिया गया है बा तो इनको नामकरण करने की जरूरत नहीं है लेकिन इनको हमको नामकरण करने की ज़रूरत है ताकि हम बोल सके कि समीकरण एक और दो को हम जोड़ रहे हैं ठीक है थीके? तो सुविधा के लिए देखकर इसको नाम दिया जाता है ना तो अब हमको क्या करना है समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाकर समीकरण तीन प्राप्त करना है ठीक है जरूरी नहीं है कि हर बार आप जोड़ो ही आप चाहो तो घटा भी सकते हो गुना भी कर सकते हो भाग भी कर सकते हो लेकिन सबसे सुविधाजनक जो होता है ना वो जोड़ना होता है ना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे और समीकरण तीन प्राप्त करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर अब लिख लेते हैं है ना अब समीकरण एक धन समीकरण दो यहाँ पर बिंदु लगा लो ठीक है हम क्या करने वाले हैं समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने वाले हैं ठीक है तो वहाँ पर ऊपर में देखो एक और दो है इनको हमको जोड़ना है तो टू एक और थ्री एक्स आपस से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव एक्स ठीक है अब यहाँ पर देखो एक जगह ऋण है एक जगह धन है एक जगह ऋण है और एक जगह धन है तो इसको कैसे जोड़ेंगे है ना तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका थ्री बाय वाय, ऋण तीन बटा वाय, धन सेवन बटा वाय, ठीक है अब चूंकि यार यहाँ पर ना बटे में वाय है है ना इस कारण से मैं इसको लिखा हूँ नहीं तो इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते एक जगह ऋण एक जगह धन घटाएंगे है ना जो भी बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या को घटा देते और डायरेक्ट लिख देते लेकिन चूंकि ये बटा वाला है ना इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप और लिखना है ऐसा सोचा है ठीक है तो इस तरीके से लिखना है आपको उसके बाद बराबर है ना नौ और दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा यहाँ तक क्लियर है अब एक स्टेप और ले लेते हैं भाई बटा वाला है तो कुछ तो मतलब उसका इज्जत रखना पड़ेगा है ना तो ये हो गया पाँच एक से है इसको पाँच एक से रहने दो कुछ नहीं करना है ठीक है यहाँ पर देखो दोनों के जो हर हैं वो बराबर हैं तो हर को तो कुछ करना नहीं है है ना सीधा सीधा जो भी काम है वो अंश से है तो एक जगह ऋण तीन है एक जगह धन सात है एक जगह ऋण है एक जगह धन है तो क्या होगा घटाना होगा है ना जो बड़ी संख्या मतलब सात है उसमें से छोटी को घटा देते हैं सात में से तीन घटाएंगे तो कितना होगा चार है ना और चूँकि बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए यहाँ पर जो भी आने वाला है वो धन में आएगा ठीक है तो क्या मिल रहा है अपन को चार वाई मिल रहा है देखो सात बटे वाई में से जब आप तीन बटे वाई को घटाओगे है ना तो क्या मिलेगा चार बटे वाई ठीक है देखो सिंपल है यार जैसे सात वाय रहता और इसमें से आप तीन वाई को घटाते है ना तो कितना मिलता चार वाई मिलता उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है बटे में है तो बटे में आ गया वाई समझ आया ज़्यादा एकदम कठिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है देखो जब हर बराबर रहते हैं तो हर को एक बार लिखते हैं और अंश में यदि जोड़ना है तो जोड़ दो घटाना है तो घटा दो ठीक है सिंपल है अब ये हो गया ग्यारह और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन ठीक है ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन है अब हमको क्या करना है ये जो समीकरण नंबर तीन है इसी में अपन को वैल्यू को रख रख के देखना है कि कौन सा वाला जो मान है वो सही है ठीक है तो अब समीकरण तीन से ठीक है लेफ्ट हैंड साइड बराबर फाइव एक्स प्लस फोर बाय वाई ठीक है यहाँ एक्स बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक रखने पर ठीक है क्या होगा देखते हैं पाँच गुना तीन एक का वैल्यू क्या रखा तीन धन चार वाई का वैल्यू कितना रखेंगे ऋण एक है ना तो कितना हो जाएगा पाँच दिया पंद्रह और चार को ऋण एक से भाग देंगे तो ऋण चार ठीक है कितना हो गया भैया ग्यारह बराबर राइट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड में सीधा सीधा रहा ही है है ना तो कुछ कंझट करने की ज़रूरत नहीं है और अपन को पता चल गया कि आ के जो वैल्यू दिए यहाँ पर वो हमारा सही है ठीक है आ के जो वैल्यू है वो हमारे समीकरणों के हल है अतः अ एक से बराबर तीन वाई बराबर दिन एक समीकरणों का हल है समीकरणों का हल है हल है देखो जब मैं समीकरणों बोल रहा हूँ ना तो यहाँ पर समीकरण एक और दो को कंबाइन रूप में बोल रहा हूँ ठीक है और साथ ही समीकरण तीन को भी बोल रहा हूँ है ना तो समीकरण तीन का हल है और समीकरण तीन कैसे प्राप्त हुआ समीकरण एक और दो को जोड़ने से इसलिए समीकरण एक और दो उनका भी हल है ठीक है अब हम क्या करेंगे जो ब वाला वैल्यू है उसके लिए भी चेक करेंगे ठीक है अब पुनः समीकरण तीन से देखो समीकरण तीन से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक बार ले चुके हो है ना अब फिर से आप उसको पकड़ हो तो पुनः शब्द तो लिखना पड़ेगा ठीक है कि नहीं तो पुनः समीकरण तीन से ऐसे फिर उसके बाद यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लो फाइव एक्स प्लस फोर वाई इस तरीके से ठीक है अब क्या करेंगे भाई आप इसके वैल्यू रख रहे हैं बा के वैल्यू रख रहे हैं बा का वैल्यू है एक से बराबर एक बटा दो और वाई बराबर है एक बट्टा तीन ठीक यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं पाँच गुना एक बट्टा दो धन चार बटे में एक बट्टा तीन ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो पाँच का गुना एक के साथ होगा तो ये पाँच भट्टा दो हो गया ठीक है धन ये जो बटे के नीचे बटे रहता है ठीक है देखो ये चार है उसके बटे में एक है उसके बटे में तीन है तो ये जो तीन है इसका गुना हो जाता है चार के साथ किसके साथ होता है चार के साथ तो यहाँ पर अपन को मिलेगा बारह बटे एक ठीक है और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा देखिएगा अब देखो यहाँ पर क्या करना है एक के बटे में दो है और दूसरे के बटे में एक है एक है मतलब कुछ भी नहीं है तो ऐसे ऐसे में हम क्या करते हैं दोनों के हर में सेम संख्या को लिख देते हैं जैसे ये दो है उसको लिख दिए है, है ना अब इसके हर में पहले से दो है तो हम पाँच को सीधा सीधा लिख दिए ठीक है।, है धन अब इसके हर में एक है है ना इसमें दो का गुना करोगे तब दो आएगा तो उसी दो का गुना ऊपर भी करोगे तो क्या हो जाएगा चौबीस और फिर इनको जोड़ेंगे तो ट्वेंटी नाइन बाई टू और ये किसी भी एंगल से ना ग्यारह नहीं है ठीक है इज नॉट इक्वल टू ग्यारह और ये ग्यारह क्या है भाई आपका राइट हैंड साइड है मतलब राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है ठीक है तो हम लिखेंगे अतः बक्स बराबर एक बटर दो वाई बराबर एक बटर तो, तीन समीकरण का हल नहीं है समीकरण का हल नहीं है ठीक है तो इस तरीके से लिख लेंगे है ना? चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा का चौथा को ठीक है तो अपन क्या लिखेंगे दूसरा का चौथा हल डेस दिया है है ना यहाँ पर अल फिर हम लगाते हैं फिर अ और ब जो हल दिए हैं उनको हम लिख लेंगे इस तरीके से और फिर जो समीकरण दिए हैं दो ठो उसको भी लिखेंगे और उनको नामकरण कर देंगे कि समीकरण एक है और समीकरण दो है ठीक है तो अब इसके बाद क्या करना है भाई समीकरण एक और दो को जोड़कर समीकरण तीन प्राप्त करेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं आप समीकरण एक धन समीकरण दो एक और दो को क्या करना है अपन को जोड़ना है देखो क्या होता है कभी कभी जब हम घटाते हैं ना तो कुछ पद है वो गायब हो जाते हैं है ना तो जोड़ना ज़्यादा बेहतर होता है उसमें गायब कम होते हैं ठीक है तो समीकरण एक और दो इसको जोड़ेंगे अब यहाँ पर देखो दो एक और तीन एक से तो कितना हो जाएगा पाँच एक्स। और यहाँ पर एक जगह धन है एक जगह ऋण है तो क्या होगा घटाना होगा पाँच वाई में से दो वाई को घटाओगे तो कितना वाई बचेगा तीन वाई बचेगा ठीक है अब यहाँ पर ये बटे में है तो इसका इज्जत रखने के लिए एक बार इसको ऐसा लिख लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर निर्देशित करता का चिन्ह लगाओ इनको कुछ नहीं करना है भाई ये तो सिंपल है है ना यहाँ पर इनको जोड़ना है ठीक है तो देखो यहाँ पर यहाँ पर हर में तीन है यहाँ पर हर में छः है हम इसको जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों का हर बराबर हो ठीक है दोनों का हर क्या हो बराबर हो तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं एल सी एम लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो तीन एकम तीन तीन दुनी छः छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ो और बड़ी संख्या यदि डायरेक्ट मिल जाता है तो जो बड़ी संख्या होता है ना वही इसका एल सी एम होता है ठीक है छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ो और बड़ी संख्या यदि डायरेक्ट मिल जाता है तो जो बड़ी संख्या है वो क्या होता है एलसीएम होता है तो हम यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको डायरेक्ट लिख दिए अब देखो तीन में दो का गुना करोगे तब छः मिलता है तो उसी दो का गुना आठ में करना है तो आठ दोनी सोलह आया धन अब इसके हर में तो पहले से छः है तो इसको जैसा है वैसा लिख दो ठीक फिर से निर्देशित करता का चिन्ह लगाते हैं पाँच एक से धन तीन वाय सोलह और पाँच को जोड़ो कितना हो जाएगा इक्तीस इक्तीस हो गया गलत इक्कीस होगा ठीक है कितना होगा इक्कीस और बटे में क्या है ठीक है ओके यहाँ तक यह है हमारा समीकरण नंबर तीन अब हम क्या करेंगे समीकरण तीन में वैल्यू रख के देखेंगे कि अ और बा में से कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आप समीकरण तीन से समीकरण तीन से क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना दिया है पाँच एक से धन तीन वाई ठीक है और इसमें यहाँ एक्स बराबर तीन वाई बराबर ऋण एक रखने पर ठीक है यहाँ पर रखते हैं वैल्यू पाँच गुना तीन धन तीन गुना ऋण एक y का वैल्यू कितना है ऋण एक है तो अपन ऐसा इसको रख देंगे ठीक है फिर क्या होगा भाई फिर क्या होगा पाँच या पंद्रह होगा है ना और यहाँ पर क्या होगा ऋण तीन ठीक है बराबर कितना हो जाएगा तीन तीन नौ तीन चौक बारह तीन पंच पंद्रह मतलब कि तीन को घटाओगे तो यहाँ पर कितना आया बारह आया है ना और ये राइट हैंड साइड नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड में कितना है भाई इक्कीस बटे छः है, है ना तो राइट हैंड साइड नहीं है डायरेक्ट लिख देंगे ठीक है अतः समीकरणों का हल नहीं है सीधा सीधा लिख देते हैं यार यदि हम सिर्फ लिखते हैं तो भी ये जो है ही इस वैल्यू को ही इंगित करता है समीकरणों का हल नहीं है ठीक है अब हम क्या करेंगे भाई पुनः समीकरण तीन से है ना? पुनः समीकरण तीन से ठीक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे है ना लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई पाँच एक से धन तीन वाई ठीक है अब यहाँ क्या करेंगे ब के जो वैल्यू है उसको रख के देखेंगे ब कोष्टक में उसका वैल्यू को रखते हैं क्या है वैल्यू से बराबर एक बटा दो और वाई बराबर एक बटा तीन ठीक है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे तो रखते हैं तो रखने पर ऐसा लिखते हैं ठीक है रखेंगे बोल के नहीं लिखते रखने पर लिखते हैं है ना बराबर पाँच गुना एक बटा दो धन तीन गुना एक बटा तीन ठीक है अब ये क्या हो जाएगा आपका पाँच बटा दो हो जाएगा और ये तीन और तीन कट गया तो क्या आ गया एक ठीक है इनको हम जोड़ेंगे दोनों के हर में क्या आ जाएगा दो आ जाएगा दोनों के हर में क्या गया दो ठीक है ये पांच है सीधा सीधा पांच लिखो और ये दो का गुना इसके साथ होगा तो धन धन दो और इसको फाइनली करेंगे तो ये सात बटे दो ठीक है अब यहां तक देखने से ऐसा लगता है, है ना कि ये जो है कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है ठीक है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिए सात बटा दो है ऊपर में मैं तीन का गुना कर रहा हूँ नीचे में भी तीन का गुना कर रहा हूँ ठीक है मैं मतलब तुल्य पर मैं ज्ञात करता हूँ तो सातिया इक्कीस और दो तिया छ अब ये जो है कि राइट हैंड साइड के बराबर है है ना मतलब कि जो ब वाले वैल्यू है वो समीकरण के हल हैं ठीक है यहाँ तो पर लिखेंगे अतः ब अब देखो सिर्फ ब लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा लेकिन यदि कोष्टक में इसके वैल्यू को लिख देते हैं तो ये ज्यादा क्या हो जाता है सही हो जाता है ज्यादा सही हो जाएगा है ना तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर दो है भाई एक, एक से बराबर एक बटा दो एक से बराबर एक बटा दो ठीक है और वाई बराबर एक बटा तीन समीकरणों का हल है क्या लिखेंगे समीकरणों का हल है तो इस वीडियो में इतना ही ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक चैनल के साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू बेस्ट ऑफ लक